Traveling has always made me feel alive. It's one of the simple things that brings the most joy. Hey everyone, this is Tama. So last month मैं गई थी मेघालय, एक बेहद ही खूबसूरत जगह, इसे हम बादलों का घर भी कहते हैं। और बस इतना ही नहीं, हम लोग जिस होटल पे रुके हुए थे उसके बालकनी से ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल की डायरेक्ट व्यू आती थी। बस और क्या चाहिए। ईच मॉर्निंग एज आई सिप्ड माई कॉफ़ी, ये ब्यूटीफुल सी वाटरफॉल की व्यू मुझे वेलकम करती थी। एंड वन डे मुझे लगा कि नहीं, एक पेंटिंग तो बनती है। सो आई लाइक पिक्ड अप माई पेंट ब्रश एंड स्टार्टेड कैप्चरिंग दिस अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। वैसे तो मैं अपना पेंटिंग का स्टफ्स हमेशा कैरी करती हूँ, लाइक दिस मिनी स्केच बुक एंड कलर पैलेट। बट मैं इस ट्रिप में श्योर नहीं थी वेदर आई कुड बी एबल टू पेंट और नॉट, बिकॉज बहुत रश थी ये वाली टूर में। इट वॉज़ अ 4-day ट्रिप एंड वी विजिटेड द कामाख्या टेम्पल एट गुवाहाटी, देन वी एक्सप्लोर्ड फ्यू कैफेज एट शिलोंग एंड फाइनली टू चेरापूंजी। वैसे अगर देखा जाए तो ईच एंड एवरी प्लेस वी विजिटेड इज़ अमेजिंग विद इट्स मेसमराइजिंग व्यू, बट द ट्रेक टू दिस डबल डेकर रूट ब्रिज वॉज वेरी थ्रिलिंग। मतलब आई डिडंट इवन नो कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगी भी नहीं। इट वॉज अ 4 kilometers ऑफ डाउन हिल एंड अप हिल, मतलब पूरा स्टेयर्स था, नो रोडवेज, एंड वी फाइनली डिड इट। या टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा हम लोगों के लिए बिकॉज वी आर नॉट अ रेगुलर ट्रैकर, बट द व्यू वॉज अनबिलीवेबल। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी झरना थी, इट इज़ अ नेचुरल वाटर स्ट्रीम एंड द वाटर इज सो रिफ्रेशिंग, मतलब सारी थकान मिट गई वहाँ पे नहा के। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेंटिंग। तो पेंटिंग की स्टार्टिंग में मैं स्काई को पेंट करती हूँ एक लूज ब्लू कलर से। वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एंड इससे काम करने में यू हैव टू बी लाइक वेरी क्विक, बिकॉज वंस इट्स डन इट्स डन। एंड हम लोगों को वाटर कलर में करने के लिए कुछ नेगेटिव ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़नी पड़ती है, विच एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिव पोर्शन ऑफ द लाइट, क्योंकि वंस अ कलर इज डन आप उसके ऊपर से कोई भी लाइट शेड नहीं पेंट कर सकते। एंड व्हेन वी आर वर्किंग विद प्लेन एयर पेंटिंग, जो कि एकदम खुले आसमान के नीचे हम लोग करते हैं, लाइव करते हैं, तो उसमें लाइक कलर्स की डिसीजन मेकिंग बहुत ही जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं एक और पेंटिंग दिखाने वाली हूँ। पास में ही एक छोटा सा मतलब स्ट्रीम बह रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसकी भी पेंटिंग बना ली जाए। एंड ये वाली पेंटिंग में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू पेंट दिस रॉक्स, क्योंकि एक नेचुरल सा स्ट्रीम बह रही थी ये होटल के पास से। एंड आई हैव टू मेक क्विक डिसीजंस कि मुझे ब्राउन्स किस तरह का ब्राउन्स सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में बस बेस कलर को अप्लाई करना है एंड धीरे धीरे जब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन जाए उसके ऊपर डिटेलिंग्स डालना है। और जैसे कि ये वाला सब लूज लाइक वाटर कलर पेंटिंग्स है, तो ज़्यादा डिटेलिंग्स इस पेंटिंग्स में मैं नहीं डालने वाली हूँ। सो गाइस, दिस इज़ इट। मेरी पेंटिंग बन गई है
एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ यू फील अबाउट दिस पेंटिंग एंड दिस ट्रैवल ब्लॉग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ये ट्रिप बहुत ही यादगार रहेगी एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस लिटिल क्लिप्स विथ यू ऑल. आई विल अपलोड अनदर ट्रैवल वीडियो सून ऑफ दिस एंटायर ट्रिप ऑन माई अनदर चैनल. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. अंटिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. I will see you soon on my next video. Bye-bye.